आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। अपने ब्रांड प्रॉमिस के मुताबिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस मैं लगातार आपको देता रहता हूँ फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से। सब्सक्राइब करके वापस आने के लिए आपका धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है हुक। जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए कांटे की हुक की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपके कस्टमर को पकड़े रखने के लिए आपके प्रोडक्ट के अंदर एक हुक की जरूरत है। आपके एडवर्टाइजिंग ब्रांड कैंपेन में हुक की जरूरत है। कॉम्प्लिकेटेड मैसेज कस्टमर याद नहीं रखता, वो भूल जाता है। आपका प्रोबेबल कस्टमर बिजी है, उसके पास समय नहीं है। मिनिमम समय के अंदर अटेंशन ग्रैबर, अटेंशन होल्डर क्रिएट करना है आपको, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ आकर के जुड़ जाए। क्या होता है वो अटेंशन ग्रैबर, अटेंशन होल्डर, इसी को बोलते हैं हुक। हर एक हुक क्या है, हुक के अंदर आपके प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ एक बेनिफिट, आपके प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ कोई इंफॉर्मेशन ऐसा जिसको कस्टमर याद रखे। एक्चुअली इसके बाद मैं इस सीरीज में एक वीडियो दूंगा आपको कॉल टू एक्शन। हुक और कॉल टू एक्शन में फर्क क्या है? कॉल टू एक्शन एक्शन जनरेट करता है, हुक रिकॉल जनरेट करता है। आपको दोनों चाहिए, ध्यान दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं, ये ऐसे शक्तिशाली वीडियो हैं जो आपके बिजनेस को जेकर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक होता है हुक, एक कॉल टू एक्शन। आपको रिकॉल, रिकॉल मतलब मेमोरी, मतलब याददाश्त, मतलब लॉयल कस्टमर। सेटिस्फाइड नहीं बोल रहा, लॉयल कस्टमर। हुक कैन बी अ स्मॉल टाइटल और अ टैगलाइन, जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है। ये टाइटल टैगलाइन एक्सप्लेन करता है कि आपके बिजनेस में आप ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जो कि नोटिसेबल हो जाए। तो ये जो नोटिसेबल होगा ये कब होगा? ये कोई एक प्रॉमिस, आपका एक कमिटमेंट हो सकता है आपके कस्टमर को, जो कस्टमर सुनना चाहता है। जब आप अपने प्रॉमिस, बेनिफिट या सोल्यूशन का हुक क्रिएट कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। उसको अपने सारे कम्युनिकेशन मटेरियल में डाल दीजिए, उसको अपने वेबसाइट, अपने ब्रोशर, अपने बिजनेस कार्ड, अपने होर्डिंग, अपने लैंडयार्ड, अपने जो भी कम्युनिकेशन मटेरियल, चाहे आपका वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज, आपका सोशल मीडिया, आप जो भी ईमेलर लिखते हैं, जैसे भी किसी से बात करते हैं, आपकी कॉर्पोरेट ड्रेस है, बाहर होर्डिंग लगा हुआ है, ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा, जहां भी जो भी टच पॉइंट है उधर हुक का इस्तेमाल करते जाइए। हुक जो होता है वो अमूमन थोड़ा सरप्राइजिंग होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल और थोड़ा एक्सक्लेमेटरी। बीच का एवरेज इमोशन नहीं, थोड़ा एक्सट्रीम इमोशन, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है ना, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, अ टेस्ट ऑफ मोर टू कम। सामने वाले को लगना चाहिए, अरे भाई क्या होगा, क्या ऐसा यार, ऐसा क्या होने वाला है उसको, मतलब यू लीव हिम बेगिंग टू नो मोर दैट ही वांट्स टू नो मोर। वो इच्छा उसके अंदर आ जाए कि ऐसा क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। केटरर, एक केटरर अपने हुक का इस्तेमाल करता है, आपको आकर के बोलता है, सर मैं आपको होस्ट नहीं गेस्ट की तरह देखना चाहता हूँ, आप आराम करिए। मैं आपको मेजबान नहीं मेहमान की तरह देखना चाहता हूँ। क्या अरे ऐसा क्या होने वाला है? सो यू लीव हिम बेगिंग फॉर मोर टू कम। उसका मन है, यार बताओ तो ऐसा करोगे क्या, तुम मुझको मेजबान से मेहमान बना दोगे, होस्ट से गेस्ट बना, इतना कम्फर्ट कन्वीनियंस। इसको बोलते हैं एक बेनिफिट छुपा हुआ आपके हुक में, एक ऐसा बेनिफिट, एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लगता है वो देखने में, कि उसको देखते ही जैसे मेंटोस कहता है दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसा ही एक हुक क्रिएट हो गया कि मेजबान से मेहमान, होस्ट से गेस्ट बनाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं मेरे हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई एग्जाम्पल और केस स्टडीज रहते, तो आपको भी देता हूं भी। हाँ, एग्जाम्पल से आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। आपने मुझको अपना समय दिया है ना, आप हर एक का वीडियो तो देखते नहीं है, आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपके समय की कीमत मैं जानता हूं। लीजिए एग्जाम्पल, आप फोमो पे फोकस करिए। फोमो क्या होता है? FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ ऐसा फोमो क्रिएट कर दीजिए कि उसके मन में फियर आ जाए कि यार यदि मेरे हाथ से कहीं निकल तो नहीं जाएगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। या फिर दूसरा एक और तरीका है कि आप एक कोई इमोशनल स्टोरी क्रिएट करें अपने हुक के माध्यम से। जैसे वो MCL की फेमस एड, क्या हुआ इसमें, एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। अब ये क्या है, ये एक स्टोरी थी, उस स्टोरी से MCL का ब्रांड याद रहा। MCL दोबारा तो ऐड नहीं करता ना, आजकल तो MCL की ऐड आती नहीं है। MCL प्रोडक्ट का नाम नहीं है, MCL एक ब्रांड का नाम है। जो वो जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को बोलते हैं एपॉक्सी कंपाउंड, बट नोबडी रिमेंबर्स एपॉक्सी कंपाउंड। सबको क्या भैया MCL देना, MCL देना, कभी देखा दुकान पे बोलते हुए एपॉक्सी कंपाउंड देना? क्यों? क्योंकि रिकॉल आ गया है। ये हुक इतना पावरफुल, एक इमोशनल स्टोरी के माध्यम से एक टपकती बूंद। अब वो चालू आदमी था, उसका वो नंबर मिट गया, लोगों को बड़ी खुशी हुई बाद में, और वो देखा कि अरे इसके साथ बुरे के साथ बुराई होना चाहिए था। या फिर ऐसा कुछ करिए कि आपके हुक के माध्यम से एक कन्वीनियंस और कंफर्ट का प्रॉमिस मिल जाए आपके कस्टमर को।
आपका हुक ऐसा हो कि कस्टमर थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, अच्छा अच्छा ऐसा क्या ना, जैसे सर्फ एक्सेल कहता है ना दाग अच्छे हैं, ये क्या कहता है, कम ऑन दाग अच्छे हैं। सॉरी बोल रहे, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। अमूमन आज तक माओ को बड़ी टेंशन होती है, दाग देखते ही वो गुस्से में आ जाती है, ये तू फिर दाग लगाया है, लेकिन वो क्या कहते सर्फ एक्सेल, ओए चिंता नहीं करो दाग अच्छे, अच्छा अच्छे ओहो ठीक कह रहे जी दाग तो अच्छे। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये आपको पता नहीं चलता डायरेक्टली कि आपने ऐसा कभी सोचा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गए दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल की याद आएगी आपको। इसे क्या बोलते हैं, रिकॉल वैल्यू। कई बार आप ऐसा भी टैगलाइन यूज कर सकते हैं जिसमें आपका और आपके कस्टमर का गाढ़ा संबंध दिखता हो, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड रिलेशन। क्या आप ऐसा कुछ फ्रेज या टैगलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देश का नमक टाटा। अब क्या है आपके अंदर फीलिंग आ गई है, ये हमारे देश का नमक है जी, ये हमारे देश का नमक है, ये फीलिंग है। IDBI बैंक, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, ये एक थोड़ा फीलिंग कम्युनिकेट। देखिए जब मैं 80s में ना वो लम्बरेटा स्कूटर की एड देखा करता था, आज तक याद है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, हमारा बजाज। ये जो फीलिंग है ना हमारा बजाज, ये क्या आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो याद रह जाए। अभी क्यों हमारा बजाज याद है, कितनी स्कूटर बाइक की 500-700 ऐड लाई होंगी, लेकिन वो बजाज आज भी याद है। वो जो फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप, ये अपनापन, आप फ्रेज बड़ा चुन के बनाना है आपको। और आप अपने टैगलाइन को कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि प्रॉमिस टू हेल्प योर ऑडियंस अचीव देयर गोल्स, यानी कि आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा तो वो अपने गोल को अचीव कर जाएगा या प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। कुछ अपना टैगलाइन कस्टमर की जिंदगी की प्रॉब्लम या कस्टमर की जिंदगी के गोल से जोड़ दो। जैसे डेटॉल क्या बोलता है, बी 100% श्योर। अब ये बी 100% श्योर, ये जो अश्योरेंस दे रहा है ना, ये अश्योरेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। बिग बाजार क्या कहता है, इससे अच्छा और सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। ये भी एक अश्योरेंस है कि आपका जो सस्ता और अच्छा खरीदने का गोल है वो हम पूरा कर देंगे। तो ये छुपा हुआ बेनिफिट है इसके अंदर। तो आप कुछ ऐसा ढूंढिए अपने कस्टमर के साथ में जो कस्टमर अपने आप नहीं अचीव कर सकता, और उसको वो प्रॉमिस दीजिए, आपका ब्रांड प्रॉमिस बन जाएगा वो। जैसे माजा क्या कहता है, हर मौसम आम। अब आपको आम खाने के लिए गर्मियों का वेट नहीं करना, आप सर्दियों में भी खा सकते हैं। अब सर्दियों में फ्रूट ड्रिंक माजा की सेल्स डिप कर जाती है, गर्मियों में तो सेल्स चलती रहती है। इससे इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा लिए, एक तो हर मौसम आम अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया कि भाई आम सबको अच्छा लगता है, आम फलों का राजा है, देश में आम का बड़ा नाम है, आम का नाम, आम का नाम, तो क्या करें, बाकी सबका काम तमाम। कैसे फ्रूट जूस बिकता नहीं है क्योंकि सर्दियों में जरूरत कम है ना, तो सर्दियों में भी मार्केट को वापस रिवाइव कुछ हद तक करने लग जाता है। तो एक ये ऐसा फ्रेज होना चाहिए जैसे आप लेवरेज दी थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, लेवरेज दी पावर ऑफ थ्रिल। अभी जो पावर ऑफ थ्रिल और एक्साइटमेंट, ये भी एक एक्सट्रीम इमोशन है। अगर आपके टैगलाइन, आपके पंचलाइन में थ्रिल और एक्साइटमेंट आ जाती है ना, डर के आगे जीत है। अब माउंटेन ड्यू की सारी एड्स अगर आप देखोगे तो बड़ी थ्रिलिंग एक्साइटिंग, पहाड़ों से कूदने की बड़ी, मतलब आदमी देखे तो ऐसा करके देखे उसको, हाँ ऐसा करके एड देखे, और उसके बाद ये जो फीलिंग आई ना, रश ऑफ एक्सट्रीम इमोशन, एड्रेनलिन रश बोलते हैं इसको आपके माइंड में, वो एक एक्सट्रीम इमोशन जनरेट करके आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों को जगा के रजिस्टर करके निकल जाता है। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपको पंचलाइन आपकी बड़ी चलाकी भरी केयरफुली कस्टमर को देखते हुए बनानी पड़ेगी। पॉजिटिव एक्साइटिंग इमोशंस की तो मैं बात कर ही रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ हर्ट मिस्ट्री और डिसअपॉइंटमेंट को अगर हम होप में कन्वर्ट कर सके, एक ऐसा हर्ट, एक ऐसा मिस्ट्री, एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, जैसे मान लो धोखा हो गया, आपने धोखे में होप क्रिएट कर दिया। जैसे मैं देख रहा था कि कमाल कर दिया इस ब्रांड ने, CP+, ये एक CCTV कैमरा का ब्रांड, लेकिन एक कॉइंड स्टेटमेंट जो छा गया, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो कैमरा देख, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, इसने इतने सारे ब्रांड कैंपेन्स बना लिए। कॉलेज के अंदर यूथ्स बच्चे रैगिंग कर रहे हैं, लेकिन CCTV कैमरा लगा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई चोरी कर रहा है ऊपर वाला। ये जो ये एक्चुअली ऊपर वाला सब देख रहा है का मीनिंग क्या है, ये एक आदमी जिसको बड़ा धोखा मिला है ना,
अब मेरी और आपकी दोनों की जिंदगी में आपने ये स्टेटमेंट कई बार सुना होगा, जब किसी को बहुत धोखा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता तो वो कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हेल्पलेस हो जाता है तो कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है। द्रौपदी जब उन्हें कोई मदद नहीं करने आया ना, जब उनके भाई, उनके पति, उनके मतलब युधिष्ठिर, अर्जुन कोई मदद नहीं करना, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, तब उन्होंने दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तब कृष्ण आए मदद कर। ये जो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो जो होपलेसनेस में जो होपफुल फीलिंग को इन्फ्यूज किया, वो सीपी प्लस का माइंड ब्रांड रजिस्टर हो गया। किसी भी हुक को बनाने से पहले थोड़ा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, उस क्रिएटिव होने के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपका करंट कस्टमर आपसे माल अभी आपसे क्यों खरीदता है और बाहर किस किस से खरीद रहा है, आपके पास कस्टमर ने आपसे माल क्यों खरीदा, गूगल पे आपके कॉम्पिटिटर के बारे में थोड़ा सर्च करें, अमेजॉन पे देखें जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है उसके बारे में क्या वो किस प्रकार के हुक्स यूज कर रहा है। जब थोड़ा क्रिएटिवली आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको आसानी मिलेगी। एक हुक बनाने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट के हिडन बेनिफिट ढूंढिए, थोड़ा कई ऐसे हिडन छुपे हुए बेनिफिट लोगे जिसको कमांड की तरह रजिस्टर कराएंगे। वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग यूएसपी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं यूनिक आइटम चलती है, यूनिक आइटम चलती है। नहीं सर, केवल यूनिक आइटम नहीं चलती, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिक आइटम चलती है। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और एक स्ट्रॉन्ग डीप इमोशन को एमिनेट करता हो, डिसिपेट करता हो, मतलब उस इमोशंस बाहर निकल रहे हो उससे। ये पॉजिटिविटी, प्राइड, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस वाले इमोशन से मेरे को एक ऐड याद आ रही है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपको मतलब बड़ा पसंद आएगा। जब मैं छोटा था ना, काफ़ी छोटा था मैं उस समय, अभी तो नाउ आई एम रनिंग 36, तब एक टीवी पे ऐड आया करती थी ओनिडा टेलीविजन की, याद है आपको, कलर टेलीविजन, लेट 80s अर्ली 90s। उस समय टीवी हर एक के पास नहीं होता था, उस समय टीवी मतलब किसी के आ रहा तो पूरा मोहल्ला आके झांक के देखता था, ए टीवी आया इसके, ए तेरे में मालूम शर्मा जी टीवी ला, शर्मा जी टीवी, शर्मा जी टीवी, शर्म ऐसा सब जगह पूरे। देखिए उस समय उन्होंने एड कैंपेन कैसा लॉन्च किया, प्राइड, प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ये वाली जो ईगो सेटिस्फैक्शन की जो क्या बोले कि नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ध्यान दीजिए, कम ऑन, क्या बोले, नेबर्स, जानबूझ के इंग्लिश में भी डाला इस पंच लाइन टैगलाइन को, क्योंकि एस्पिरेशनल कर दिया उसको, और एस्पिरेशनल इंग्लिश का मतलब, और ये कोई बड़े पढ़े लिखे बड़े अमीरियत की बात है, रईसी वाली फीलिंग आती है, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, पूरे मोहल्ले में मैं सबसे ऊंचा हूं। तो वो जो फीलिंग, वो जो कॉन्फिडेंस, प्रोग्रेस, प्राइड की फीलिंग, ये अगर आज देखिए ओनिडा चला कहां, ओनिडा थोड़ी चला, ओनिडा ब्रांड मतलब वो प्रोडक्ट इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन उसके इतना दम था उसकी उस टैगलाइन, उस पंच लाइन में, कि आज भी वो 30 साल 25 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना ब्रांड आज भी हमारे को याद है। क्यों याद है? This is called hook. इसी का मतलब है recall value. हाँ, इसी का मतलब आपको याददाश्त में जाकर के अटक जाएगा। Neighbors envy, owners pride. अगर आप इस वीडियो में 25,000 लाइक्स दे दें मुझे, तो मैं आपको कॉल टू एक्शन और जिंगल के दो पावरफुल मार्केटिंग वीडियो दूंगा, बिना खर्चा किए अचानक जे कर्व मिलेगा। ऐसे फ्रेमवर्क शक्तिशाली वीडियोस देखते रहते हैं आप, क्योंकि ये वीडियो से आपको नॉलेज मिलता है। अगर पूरा फ्रेमवर्क समझना है तो आप आइए लीडरशिप फनल को ज्वाइन करिए। आपके पास समय कम है तो आप 4 घंटे का इवेंट अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करिए। ये हमारा बाउंस बैक सीरीज के इवेंट जो पूरे देश में हम कर रहे हैं, आपके शहर के नजदीक भी, आपसे कह रहा हूं, हो सकता है आपके शहर के नजदीक आ रहा हूं, आपने फोन करके चेक तो करिए एक दफा। लीडरशिप फनल जो 5 दिन फिजिकल और बाकी 6 महीना डिजिटल, उसका नंबर यह है। बाउंस बैक सीरीज जो 4-5 घंटे का इवेंट, हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार, उसके लिए यह नंबर है। नीचे कॉमेंट बॉक्स में दो बातें बताइए, एक आपका शहर कौन सा है, क्या मैं आपके शहर में आके बाउंस बैक सीरीज का इवेंट करूं, और दूसरा और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो जो आप चाहते हैं आपके बिजनेस में आप फेस कर रहे हैं और मैं आपके लिए बना सकूं। सब्सक्राइब करिए और कराइए, बेल आइकॉन हिट कराइए, नहीं तो आपको वीडियो कभी मिलेगा ही नहीं। शेयर उन सबसे करिए, इसको फैलाइए थोड़े अपने सर्कल के अंदर, उन सबको शेयर करिए जिनको इस तरह के वीडियो से मदद हो सके। यू नेवर नो किसको कितनी मदद हो जाए। सोचिए अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने माता पिता, चाचा दादा, रिश्तेदार, सबके बारे में सोचिए किस किस को फायदा होगा, उसको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर शेयर करिए। आपके शेयर करने बड़ी ताकत है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।